घास बाटला फुटला है तो। मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं परार टाइम्स। मुंबई मलाड इलाके के झुग्गियों में भीषण आग लगने की घटना सामने आया है। बताया जा रहा है कि उरार गांव के पास स्थित बस्ती में एक के बाद एक कई गैस सिलेंडर फटने से आग विकराल रूप ले लिया। आग लगने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड, पुलिस और बीएमसी के अधिकारी पहुंच गए। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है और इसमें एक बच्चे की मौत हो गई है। मुंबई फायर ब्रिगेड ने इसे लेवल 2 का आग घोषित किया है और इसमें 50 से 100 झुग्गी झोपड़ियां जलने की अनुमान लगाया जा रहा है। ये आग आज सुबह 11:15 बजे लगी, जिसमें देखते ही देखते दर्जनों झोपड़ियां आग की लपेटे में आ गई। इस दौरान कई गैस सिलेंडर फटने की आवाजें भी सुनी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और एक एम्बुलेंस, 3 SO मौके पर पहुंच गए। हालांकि ये आग कैसे लगी अभी तक पता नहीं लग पाया है।